नमस्कार, मैं राजेश शुक्ला एक बार फिर आप सभी लोगों का द न्यूज स्टैंड के इस मशाल चैनल पर स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। तो बढ़ते हैं देश और दुनिया की कुछ महत्वपूर्ण खबरों की तरफ, खबर को जो है आपके लिए जरूरी, ना कि हमारे लिए। और मेरे और हमारे टीम द न्यूज स्टैंड टीम की तरफ से एस पी बाला सुब्रमण्यम के निधन पर उन्हें हृदय से श्रद्धांजलि। कोविड-19 की वजह से जिस तरह से देशों ने अपनी सीमाओं को बंद रखा है, उसकी वजह से लाखों लोग समुद्र में फंस गए हैं। ये वो लोग हैं जो समुद्री व्यापार के तहत चलने वाली हजारों जहाजों पर काम करते हैं। इसके बारे में संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुतारेस ने भी चिंता व्यक्त की। 7 देशों के विदेश मंत्रियों की होने वाली बैठक में भारत ने कहा कि आतंकवाद को मिटाए बगैर 7 क्षेत्र में शांति नहीं आ सकती। तो भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा, 7 देशों के बीच संबंधों की राह में सबसे बड़ी अड़चन वह देश हैं जो आतंकवाद को बढ़ावा दे रहे हैं, जो हमारे बीच होने वाले कारोबार में अड़चने डाल रहे हैं। बिहार में विधानसभा चुनाव का ऐलान हो चुका है। यह चुनाव 3 चरण में होंगे, 28 अक्टूबर, 3 नवंबर और 7 नवंबर को। तो वहीं वोटों की गिनती 10 नवंबर को होगी। दोनों सदनों में पारित हुए कृषि विधेयकों को लेकर विपक्ष जोरदार विरोध कर रहा है। तो वहीं कल पूरे देश भर में कई राज्यों में किसान संगठनों और किसानों ने लगातार विरोध प्रदर्शन किए, जगह जगह चक्का जाम भी किया। इसके बारे में हम आगे भी चर्चा करेंगे। तब तक बढ़ते हैं चांद की तरफ। अब चांद नीला होने वाला है। जी हाँ, वीर बहादुर सिंह नक्षत्रशाला के खगोलविद अमलपाल सिंह ने बताया कि 31 अक्टूबर 2020 को चांद नीला दिखाई देगा। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद यानी 76 साल के बाद यह घटना दोबारा हो रही है। वैज्ञानिक इस घटना को ब्लू मून का नाम देते हैं। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान यानी 76 वर्ष के पश्चात यह घटना दोबारा हो रही है। इस खगोलीय घटना में चांद पूरी तरह से नीला हो जाता है। इसकी खूबसूरती आम दिनों की अपेक्षा काफी बढ़ जाती है। विज्ञान की भाषा में इसे नीला चांद कहा जाता है, यानी कि ब्लू मून। इसे साउथ अमेरिका, भारत, यूरोप सहित कई अन्य देशों से भी देखा जा सकेगा। दोनों सदनों में कृषि विधेयक के पास होने के बाद विपक्ष लगातार विरोध कर रहा है। तो वहीं देश के किसान संगठन भी इसका पुरजोर विरोध कर रहे हैं, जिसकी वजह से 25 सितंबर कल पूरे देश भर में कई राज्यों में किसानों का चक्का जाम देखा गया, उनका विरोध प्रदर्शन देखा गया। किसानों को सबसे बड़ा डर यह लग रहा है, यह विधेयक जब पास हो जाएगा तो उनकी फसलों का सही दाम नहीं मिल पाएगा। किसानों को एक तरह से पूरी तरह से उद्योगपतियों के भरोसे छोड़ देना होगा। आज के लिए बस इतना ही। कल हम फिर हाजिर होंगे देश और विदेश की कुछ महत्वपूर्ण खबरों के साथ, खबर वो जो है आपके लिए जरूरी, ना कि हमारे लिए। और हाँ, मैं आपको बताना चाहूंगा कि TNS एक नया पहल लेकर आया है, जिसमें आप भी सिटीजन जर्नलिस्ट बन सकते हैं। करना क्या है, बस आपको ये देखना है आपकी नजर में या आपके आस पास कुछ भी सही या गलत, अच्छा या बुरा हो रहा है और आपको लगता है यह खबर, यह बात और भी लोगों को जाननी चाहिए, यहाँ के लोकल अथॉरिटी को भी पहुंचनी चाहिए, तो आप हमें इस मेल आईडी पर मेल कर सकते हैं। मेल आईडी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। हाँ, सब्सक्राइब करना, लाइक करना और शेयर करना ना भूलें। तब तक के लिए नमस्कार।